हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू शेयर अ स्टोरी। एक लड़का होता है, उसका लेफ्ट आर्म नहीं होता है। सो ही वांटेड टू टेक अ पार्ट इन जूडो कंपटीशन। एक ट्रेनर के पास जाता है, वो ट्रेनर मना कर देता है, कहता है नहीं ले सकता भाई, तू तेरा लेफ्ट आर्म नहीं है। ही गेट्स डिसअपॉइंटेड, बट उसको बहुत मन होता है। सो ही केप्ट प्लीडिंग हिम, उसके पीछे पड़ा रहता है, नहीं सर मुझे सिखाओ, नहीं सर मुझे सिखाओ, नहीं सर मुझे सिखाओ। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ही सेज ओके चल, तुझे सीखना है ना। वो इसको एक मूव देता है करने को, तो कहता है इसकी प्रैक्टिस कर। वो करता रहता है। टूर्नामेंट पास आने वाला होता है, बट वो मूव ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो कहता है सर आपने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं, टूर्नामेंट पास आ गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पेशेंस रख, किसी को कर। वो कहता है सर मैं इससे कैसे जीतूंगा टूर्नामेंट। कहता नो, एन ऑर्डर इज ऑर्डर, तुझे करना होगा। वो करता रहता है। टूर्नामेंट वाले दिन वो कहता है सर मेरे को तो एक ही मूव आता है, मैं तो हार जाऊंगा। कहता है कोई बात नहीं, हार जा, बट जाके सिर्फ वही मूव करना। ही सेज ओके फाइन। वो जाता है, वो सिर्फ एक मूव करता है, वही मूव जिसमें उसका स्पेशलिटी होती है, जो उसका स्ट्रांग पॉइंट होता है, जिसे हम फोर्टे कहते हैं। और वो मूव को बहुत अच्छे से करता है। अब इतने सारे स्टेजेस वो क्रॉस करता चला था सिर्फ एक मूव के भरोसे, क्योंकि उस मूव का किसी के पास तोड़ नहीं होता। ये एंड ही एंड्स अप विनिंग जूडो कॉम्पिटिशन विद सिंगल हैंड। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन एंडेड अप, ही आस्क हिज मास्टर कि मैं कैसे जीता। उसने कहा जो मैंने तुझे ट्रिक सिखाया था ना, उस ट्रिक का तोड़ तभी निकल सकता था जब सामने वाले का लेफ्ट आर्म पकड़ के उसको गिराया जाए। And you don't have that left arm. So the best part is, हमेशा अपनी weakness को अपनी strength बनानी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा weak point है। You don't have any sort of weak point. The only weak point in your life is your thought process. And that makes you weak. If you wanted to be strong, make your thought process strong. That's the moral of the story. So keep doing that.